स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश और विस्टास बुक से 7th चैप्टर है एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी तक जितने भी बच्चे क्लास 12th करके निकले हैं उनमें से सबसे हार्ड अगर किसी को चैप्टर लगता है तो वो एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल वाला ही लगता है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी चैप्टर है, बहुत घुमावदार चैप्टर है, किसी को इतने अच्छे से समझ में नहीं आता। मैं आपको गारंटी देता हूँ वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे तो जरूर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ईजी समरी आपको बताऊंगा और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, स्टोरी के अंदर कौन कौन है, तो सबसे मेन कैरेक्टर है इवांस जो कि एक प्रिजनर है जेल के अंदर। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टर है इवांस जो कि एक कैदी है जेल के अंदर। सेकंड मेन कैरेक्टर है गवर्नर जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो कि जेल का जितना भी डिपार्टमेंट है उसके हेड है। ठीक है, सभी पुलिस वाले इनके अंडर में रहते हैं। तीसरा मेन कैरेक्टर है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ये कहाँ के हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड के। देखिए जो चैप्टर का नाम है एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, तो ओ लेवल एक एग्जाम होता है। ठीक है, जर्मन का एक एग्जाम होता है और ये सेक्रेटरी जो है ये एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जैक्सन एंड स्टीफन। तो यहाँ पे दो अलग अलग पुलिस वाले हैं, मैंने फोटो एक ही लगाई है, दो अलग अलग पुलिस वाले हैं जैक्सन और स्टीफन नाम से, जो कि प्रिजन ऑफिसर्स हैं, जो कि इवांस की जो जेल है उसके ये ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कार्टर जो कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, यानी कि ये डिटेक्टिव है, जासूसी का काम करते हैं कार्टर हैं जो। और नेक्स्ट कैरेक्टर है इनके बाद स्टुअर्ट मैकलेरी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टुअर्ट मैकलेरी, जो कि एग्जामिनर है ओ लेवल एग्जाम का, जो कि इवांस का ओ लेवल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर मैकलेरी आपको समझ में आ गया कौन था तो ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो मैकलेरी एग्जामिनर है जो कि स्टुअर्ट मैकलेरी इसका पूरा नाम है और ये इवांस का एग्जाम लेने आएगा अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल कॉलिन डेक्स्टर यानी कि जो राइटर हैं इसके, डिस्क्राइब्स हाउ ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स एंड द गवर्नर फेल टू स्टॉप द इवांस फ्रॉम एस्केपिंग। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि कैसे इतनी कोशिश करते हैं प्रिजन ऑफिसर गवर्नर, इतनी कोशिश करते हैं कि इवांस को रोक दें, लेकिन वो हर बारी पिंजरा तोड़ के भाग जाता है, जेल तोड़ के भाग जाता है। ठीक है, मतलब कितनी कोशिशें कर चुके हैं ये सारे पुलिस वाले, पर इनसे इवांस रुकता नहीं है। इवांस बहुत बारी भाग चुका है जेल तोड़ के। ऑल प्रिकॉशंस हैड बीन मेड, सभी मतलब जितनी भी सावधानियां की जा सकती हैं बरती जा सकती हैं सब की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इवांस भाग जाता है जेल तोड़ के। और ओ लेवल जर्मन एग्जाम वॉज कंडक्टेड इन द प्रिजन सेल ऑफ इवांस। अब देखो एग्जाम तो होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, पर इवांस का जो एग्जाम था वो हुआ था उसकी जेल के अंदर, क्योंकि उनको डर था पुलिस वालों को कि अगर ये एग्जामिनेशन सेंटर पे इसको लेके गए तो ये वहीं से फरार हो जाएगा, इसलिए इसका एग्जाम हम जेल के अंदर ही दिलवाएंगे। और उसका एग्जाम अंदर कंडक्ट किया गया, पर इन सभी सिक्योरिटी के बावजूद भी इवांस ही लास्ट में कामयाब हो गया और वो भाग जाता है। ठीक है, एक बारी दोबारा पुलिस को चकमा देके वो भाग जाता है। 30 मार खान समझ लो इसे आप इवांस को। ठीक है, अब मेन स्टोरी पे आते हैं जिसकी हम समरी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लिखा है कि इट वॉज अर्ली मार्च, द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। मार्च का महीना शुरू हुआ था और जो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उनको एक कॉल आती है ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, गवर्नर उनको कॉल करते हैं। ठीक है, और वो बताते हैं अ चाप कॉल्ड इवांस स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। तो यहाँ पे वो गवर्नर बताते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कि इवांस नाम से एक कैदी है हमारी जेल के अंदर और वो नाइट क्लासेस लेता है। ठीक है, सितंबर से, पिछले सितंबर से वो पढ़ता आ रहा है और वो उसको टीचर पढ़ाने आते हैं और वो क्लासें ले रहा है। तो आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए अभी से ही बता देता हूँ, जो टीचर इवांस को पढ़ाने आते हैं ना ओ लेवल एग्जाम के लिए, वो इवांस का ही बंदा है। ठीक है, इवांस का ही बंदा है जो कि पुलिस वालों को चकमा दे के अंदर टीचर बन के आता है और इवांस को वो पढ़ाने आता है। ठीक है, और ये जो ओ लेवल का एग्जाम जो इन्होंने जो ये करना है ना, ये सारी एक साजिश है इवांस की जेल से भागने की। ये एग्जाम दे के उसे कोई मतलब टॉपर नहीं बनना, ये एग्जाम सिर्फ एक साजिश है, एक जरिया है कि वो दोबारा से जेल से भाग जाए। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। अब आगे वो गवर्नर बताते हैं कि ही इज वेरी कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। गवर्नर कहते हैं कि सर वो बहुत ज्यादा इच्छुक है
कुछ ना कुछ पढ़ाई करने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहता है वो, इसलिए वो अपना एग्जाम देना चाहता है। द गवर्नर इंक्वायर्स अबाउट द प्रोसीजर, तो गवर्नर कहते हैं सेक्रेटरी से कि क्या आप मुझे प्रोसीजर बता देंगे कि एग्जाम कैसे हो सकता है। द सेक्रेटरी आस्क हिम नॉट टू वरी अबाउट इट, तो सेक्रेटरी यहाँ पे कहते हैं कि आप टेंशन ना लीजिए और सभी चीजें आराम से हो जाएंगी। ही विल बी सेंडिंग हिम ऑल द फॉर्म्स एंड अदर नेसेसरी थिंग्स, वो कहते हैं कि जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी फॉर्म चाहिए और जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। अब इसके बाद क्या होता है, ही इंक्वायर्स अबाउट इवांस, यहाँ पे सेक्रेटरी जो है एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो गवर्नर से पूछते हैं इवांस कैसा इंसान है, क्या वो खून खराबा तो नहीं करता या कुछ ऐसा तो नहीं है, वायलेंट तो नहीं है। तो गवर्नर एश्योर करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इवांस बड़ा शांत है, मतलब कोई ऐसा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे उसने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो। ठीक है, चोरी चकारी तो करता रहता था लेकिन कोई लड़ाई झगड़े का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है उसके खिलाफ। इट इज डिसाइडेड टू एग्जामिन हिम इन प्रिजन सेल, तो ये डिसाइड किया जाता है कि इवांस का एग्जाम होके रहेगा और वो कहां पे होगा, उसकी जेल के अंदर ही। क्योंकि ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वो जेल से भाग जाता था बहुत बारी, मैंने आपको अभी बताया, अगर इसका एग्जाम कहीं और लेते तो ये जरूर फरार हो जाता। तो ये डिसाइड करता है गवर्नर कि हम इसका एग्जाम इसकी जेल के अंदर ही लेंगे और पूरी सिक्योरिटी के साथ लेंगे ताकि ये भाग ना पाए। फिर वन ऑफ द पर्सन, यानी कि जो पादरी होता है ठीक है चर्च का, तो एक पादरी को जो है, जो कि कहाँ का था, सेंट मैरी मैक्स का था, वहां से लाया जाता है। और वो मतलब जो पादरी है वही है स्टुअर्ट मैकलेरी जो मैंने आपको बताया था, जो कि एग्जामिनर बन के आता है, किसका, इवांस का। देखो ये सबसे बड़ा ट्विस्ट का जो पॉइंट है वो ये है, जो स्टुअर्ट मैकलेरी मैंने आपको कैरेक्टर में बताया था, स्टुअर्ट मैकलेरी जो असली मैकलेरी आने वाला था एग्जाम लेने। देखो आप भी अगर अपने सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो तो कोई ना कोई एग्जामिनर आता है ना, जो आपके सामने घूमता रहता है, आपको देखता है कि आप नकल मार रहे हो कि नहीं मार रहे, जो आपके टीचर होते हैं। तो ऐसा ही एग्जामिनर कुछ ओ लेवल के एग्जाम के लिए भी आना था, तो वो मैकलेरी था। अब जो असली मैकलेरी था, देखो जो इवांस था उसके बहुत कॉन्टेक्ट थे, जो चोर लोग होते हैं, कैदी होते हैं, उनकी जान पहचान बहुत होती है। ठीक है, तो जो इवांस था उसके बहुत सारे दोस्त थे और उन दोस्तों में से उन्होंने सबको बता रखा था कि ऐसे ऐसे मेरा प्लान है और मेरे को निकलना है यहाँ से जेल तोड़ के। ठीक है, यहाँ जेल से मेरे को भागना है। तो जो मैकलेरी असली वाला था, स्टुअर्ट मैकलेरी, असली मैकलेरी अपने फ्लैट पे ही था और जो इवांस के दोस्त थे वो जाके उसको बंदी बना के आ गए थे, वहीं पे बांध के उसका मुंह वो बांध के उसको बंद कर दिया, उसके कपड़े उसके दोस्त ने पहन लिए इवांस के, और वो नकली मैकलेरी बन के आ गए कहाँ पे, जेल के अंदर। किसी को पता तक नहीं चला कि ये असली मैकलेरी है या नकली मैकलेरी है, क्योंकि वो इवांस का दोस्त था जो कि अंदर आया था इवांस के पास में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैकलेरी जी अब जेल में आएंगे और याद रखना ये मैकलेरी वही है जो कि इवांस का दोस्त है, असली मैकलेरी बंद पड़ा है कहां पे, कमरे के अंदर। अब देखते क्या होता है। द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल हिम इवांस द ब्रेक, प्रिजन ऑफिसर जो थे वो इवांस को इवांस द ब्रेक नाम से बुलाते थे क्योंकि इसने बहुत बारी पिंजरे तोड़े थे, या कह सकते हो जेल तोड़ के बहुत बारी भागा था। ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 times, लगभग 3 बारी वो जेल से भाग चुका था जेल तोड़ के। फिर क्या होता है, एट 8:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम होता है, 8:30 बज रहे होते हैं, इवांस के जेल के पास में दो लोग आते हैं और वो दो लोग कौन थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, प्रिजन ऑफिसर। एक उसमें से जैक्सन था और दूसरा स्टीफन था। जो जैक्सन था वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था डी विंग का। ठीक है, अलग अलग विंग्स होती हैं जेल के अंदर, जब जाओगे तो एक कमरा तो होता नहीं है, तो अलग अलग विंग होती हैं। तो डी विंग का जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर था वो जैक्सन था, वो वहां पे आता है और जैक्सन से उसकी बहुत दुश्मनी थी इवांस की, क्योंकि उनका आमने सामने मतलब पाला पड़ता रहता था, जैक्सन जो है वो वहीं घूमता रहता था, इवांस भी अंदर ही रहता था, तो वो दुश्मन बन गए थे पुलिस वाला और इवांस। अब क्या होता है, स्टीवंस वाज अ बर्ली शर्ली ऑफिसर, जो दूसरा ऑफिसर था प्रिजन ऑफिसर वो काफी हट्टा कट्टा था, आप कह सकते हो बहुत चौड़ा था वो, जो पुलिस ऑफिसर था प्रिजन ऑफिसर था। अब क्या होता है, इवांस फेस इज अनशेवन, इवांस का एग्जाम होता है पर उसका मुंह वगैरह जो होता है वो, दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है उसकी, ठीक है, और उसने शेव वगैरह नहीं करी होती, उसको कुछ टाइम दिया जाता है भाई शेव कर लो अपने आप को। और उन्होंने एक टोपी पहनी होती है, इवांस के सर पे एक टोपी होती है बोबल हेड, ठीक है, इस तरीके की उसने टोपी पहनी होती है बोबल वाली, और लाल और व्हाइट कलर की उसकी टोपी होती है। दे मेक श्योर दैट हिज रेजर एंड नेल सीजर्स आर टेकन अवे, जो प्रिजन ऑफिसर होते हैं वो ये कंफर्म कर लेते हैं कि भाई अगर इसने शेविंग वगैरह कर ली हो तो इसका रेजर इससे ले लो, और जो नेल वगैरह काटने की जो भी मतलब जो सीजर्स हैं, कैंची है, नाखून काटने वाली, वो सभी चीजें इससे ले लो, इसका कोई भरोसा नहीं है क्या, बताइए मैकलेरी पे हमला कर दे। पुलिस वाले बेचारे इतने भोले और इनको ये नहीं पता था कि वो मैकलेरी इवांस का ही बंदा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार ये कहीं मैकलेरी के ऊपर हमला ना कर दे, जो एग्जामिनर आने वाला है, तो इससे सारी ये चीजें खतरनाक ले लो।
अब क्या होता है, मैक्लीरी कैरीज अ ब्राउन सूटकेस। मैक्लीरी जी आ गए हैं, और याद रखना ये मैक्लीरी जी कौन है, इवांस के ही दोस्त हैं। असली मैक्लीरी जी तो बंद पड़े हैं अपने कमरे के अंदर, वो तो आए ही नहीं जेल में। तो यहाँ पे पुलिस वालों को नहीं पता ये नकली है, आप ये समझ के चलो कहानी के अंदर ही रहो। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये मैक्लेरी नकली है, लेकिन पुलिस वालों को और हम सबको ये नहीं पता कि ये नकली मैक्लेरी है, ठीक है। और उसके हाथ में एक सूटकेस होता है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं। मतलब भाई अगर इन्हें ड्रामा भी करना है तो पूरा असली तो लगना चाहिए ना। देखो इवांस इतना पागल नहीं था कि वो कुछ भी प्लान कर दे। बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये जो इतनी सारी मतलब इतने महीनों से वो जो क्लासें ले रहा था ना, वो एग्जाम्स की, वो क्लास नहीं ले रहा था, वो प्लान करते थे कि आखिर हमें निकलना कैसा है यहाँ से, ठीक है। तो जब मैक्लेरी आता है तो उसके बैग के अंदर, उसके ब्राउन सूटकेस के अंदर सभी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, एनवेलप होता है, और जो 2 घंटे का एग्जाम होना था जर्मन ओ लेवल का, वो 9:15 पे स्टार्ट होना था, ठीक है। सुबह के टाइम 9:15 पे वो एग्जाम स्टार्ट होना था। स्टीफेंस ब्रिंग 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स एंड 2 हार्ड चेयर्स। जो प्रिजन ऑफिसर है वो टेबल कुर्सियां लेके आता है वहां पे एग्जाम के लिए। ही प्लेसेस देम अपोजिट टू इच अदर, आमने सामने रख देता है वो उनको। दे आर टेकिंग नो चांसेस विद इवांस, वो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते इवांस कुछ भी ऐसा करे। स्टुअर्ट मैक्लेरी इज ग्रीटेड बाय जैक्सन एट डी विंग्स इन द प्रिजन। स्टुअर्ट मैक्लेरी है जो कि एग्जामिनर बन के आया है, उसका स्वागत होता है। जैक्सन जो प्रिजन ऑफिसर है वो उसका स्वागत करता है कि आइए आइए, यही है उसकी इवांस की जेल, आ जाइए। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इवांस टू मेक अनदर ब्रेक। अब यहाँ पे पुलिस वालों को ऐसा लग रहा होता है कि भाई अब की बारी बहुत मुश्किल होगा, इवांस अब नहीं भग पाएगा, इतनी सिक्योरिटी है और हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। पर क्या होता है, अब उसके जेल के अंदर मैक्लेरी जा चुका होता है, अब यहाँ से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला होता है। ही इज सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, वो एक बंद जेल के अंदर बैठ रहा होता है। इवांस बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है उसकी जेल को, और प्रिजन ऑफिसर्स बिल्कुल अलर्ट पे होते हैं कि कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा ना हो जिससे ये भागे, ठीक है। द इनविजिलेटर्स ड्यूटी इज टू एंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस इज ऑब्जर्व। जो यहाँ पे इनविजिलेटर है, जो मैक्लेरी है, उसकी ड्यूटी ये है कि बिल्कुल शांति से एग्जाम हो जाए, ठीक है, और साइलेंस के साथ एकदम एग्जाम हो। अब क्या होता है, द गवर्नर इज वरीड अबाउट मैक्लेरी। जो गवर्नर है उसको बहुत टेंशन हो रही होती है मैक्लेरी की कि यार ये जो मैक्लेरी है ये इन पे इवांस कोई हमला ना कर दे, ठीक है, इवांस के पास कोई ऐसा हथियार ना हो, या मतलब मैक्लेरी के पास कोई ऐसी कैंची या कुछ ऐसा चाकू जैसा कोई मतलब कोई चीज ऐसी ना पड़ी हो इनके सूटकेस में जिससे इवांस छीन के और इन्हीं को मतलब कैदी बना दे अंदर, और इनको मतलब वहीं पे क्या कर दे, इफ ही हैज ब्रॉट समथिंग इवन ए जैक नाइफ, अगर गलती से भी इनके सूटकेस में कोई चाकू जैसी कोई चीज हुई तो इवांस उनको पकड़ के मैक्लेरी को वहीं पे बंदी बना लेगा, ठीक है, और वो उनके ऊपर ही वो चाकू चला सकता है, ठीक है, उस वेपन के साथ। तो ये टेंशन सता रही थी गवर्नर को। आगे क्या होता है, एग्जामिनेशन बिगेन, यहाँ पे एग्जाम चालू हो जाता है, उनका ड्रामा स्टार्ट होता है। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफेंस। जो इवांस है और जो मैक्लेरी है उन दोनों को इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन होता है वो करवा दिया है स्टीफेंस ने, जो कि प्रिजन ऑफिसर है। मैक्लेरी आस्क्स इवान टू राइट द नेम ऑफ द पेपर इज इंडेक्स नंबर एक्सेट्रा। अब देखो जो इनविजिलेटर आता है उसको तो काम होता है कि नाम वाम लिखवाना, ठीक है, जैसे आप भी एग्जाम देने जाते हो तो आपके टीचर जो इनविजिलेटर आते हैं क्लास में वो कहते हैं अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, तो ऐसे ही वो भी यहाँ पे कहता है, एक्टिंग करने लगता है कि चलो अपना नाम लिखो और अपना इंडेक्स नंबर वगैरह लिखना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे 9:40 AM, ठीक है, 9:40 का टाइम होता है, और असिस्टेंट सेक्रेटरी स्पीक्स टू द गवर्नर। अब यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी की कॉल आती है गवर्नर को। ये कहानी के अंदर चल रहा है पर सच्चाई आपको बता दूं, ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी की कॉल आ रही है ये भी नकली कॉल है, ये इवांस का ही कोई दूसरा दोस्त है जो कि कॉल करता है गवर्नर को, ठीक है, याद रखना ये असली सेक्रेटरी की कॉल नहीं थी। तो वो कॉल करता है इवांस का दोस्त, और वो वहां पे गवर्नर से बात करता है और कहता है दे हैड फॉरगॉटन टू प्लेस अ करेक्शन स्लिप इन द एग्जामिनेशन पैकेज। वो जो नकली कॉल आती है उसमें ये कहा जाता है गवर्नर को कि हमने जो एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें भेजी है, क्वेश्चन पेपर वगैरह, उसमें एक करेक्शन स्लिप हमने भेजनी थी, वो हम भूल गए हैं डालना, तो वो आपको हम भिजवा रहे हैं, आप वो अंदर उसको दे देना इवांस को, ठीक है। तो वो अंदर भिजवा दी जाती है कि भाई सेक्रेटरी की कॉल आई है, तो वो भिजवा देते हैं। जैक्सन जो होता है प्रिजन ऑफिसर, उसको शक होता है, उसको डर लगता है यार ये फोन कॉल असली थी या नकली थी, तो लेकिन वो जब देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है तो वो छोड़ो, ये वो कहता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, सब सही चल रहा है, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। अब आगे क्या होता है,
इवांस सिट्स स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम होल्डिंग हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स। अब यहाँ पे इवांस आमने सामने बैठा होता है मैकलेरी के, उसने अपने पेन को अपने होठों के नीचे दबाया होता है। एंड अपोजिट टू हिम सिट्स मैकलेरी, उसके जस्ट सामने सामने कौन बैठा होता है? मैकलेरी, जो कि असल में उसी का कोई दोस्त होता है। एट 10:50 AM 10:50 के टाइम पे क्या होता है? इवांस वांट्स अ ब्लैंकेट राउंड हिज शोल्डर्स, ही इज फीलिंग कोल्ड। अब यहाँ पे इवांस एक ब्लैंकेट मांगता है और वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है और मैं अपने शोल्डर्स के चारों ओर ब्लैंकेट लेना चाहता हूँ। अब फिर क्या होता है? एट 10:51 AM स्टीफन वाज सरप्राइज टू सी अ ग्रे ब्लैंकेट ड्रेप्ड अराउंड इवांस शोल्डर। अब जो स्टीफन है वो प्रिजन ऑफिसर देखता है कि जो वो ब्लैंकेट है वो इवांस ने ओढ़ रखा है और वो काफी सरप्राइज होता है। ये जो ग्रे कलर का ब्लैंकेट था उसको देख के वो डरता है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इवांस प्लान करके बैठा हो ये इस ब्लैंकेट को लेके और एकदम छलांग मारेगा बैटमैन की तरह और दम घोट देगा मैकलेरी का उसी के अंदर, ठीक है, ब्लैंकेट के अंदर। ऐसा डर लग रहा होता है स्टीफेंस को, ठीक है। और एट 11:20 AM मैकलेरी इन्फॉर्म्स इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन। अब यहाँ पे मैकलेरी इवांस को कहता है कि भाई सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और 11:22 जब होते हैं, जब टाइम 11:22 पे पहुंचता है तो गवर्नर वांट्स टू स्पीक टू स्टीफेंस। अब जो स्टीफेंस है, जो प्रिजन ऑफिसर है, गवर्नर उससे बात करना चाहते हैं कॉल पे। और आपको बता दूं कहानी के अंदर तो ऐसा बताया जा रहा है कि गवर्नर बात करना चाहते हैं स्टीफेन से, पर इसका सच ये है कि गवर्नर बात नहीं कर रहे, ये एक और इवांस का कोई दोस्त है जो कि नकली कॉल करता है, फेक कॉल करता है प्रिजन ऑफिसर्स को और कहता है कि मैकलेरी जो अंदर है उसको मेन गेट तक छोड़ दो, ठीक है, मेन गेट तक छोड़ दो। और मैकलेरी असल में कौन था? इवांस का ही दोस्त था। और ये गवर्नर बन के जो कॉल करी है ये भी किसने करी है? इवांस के दोस्त ने करी है, ताकि उसके दोस्त को जो मैकलेरी बन के अंदर गया है वो अच्छे से मतलब बाहर आ जाए। और वो ऑफिसर्स को कहता है गवर्नर बन के कि आप दोनों जाइए और मैकलेरी को एग्जाम खत्म होते ही गेट तक छोड़ देना। आगे देखते हैं। एट 11:25 मैकलेरी अनाउंसेस स्टॉप राइटिंग प्लीज। जब 11:25 होता है तो टाइम जब आता है तो मैकलेरी कहता है कि अब लिखना बंद कर दो, टाइम खत्म हो गया एग्जाम का। स्टीफन वॉक्स विद मैकलेरी टू द मेन गेट। अब स्टीफन जो कि प्रिजन ऑफिसर है, जिसको कॉल आई थी, नकली कॉल आई थी इवांस के दोस्त की, जो कि गवर्नर बन के स्टीफन को कह रहा था कि एग्जाम खत्म होते ही मैकलेरी को गेट पे छोड़ देना, तो स्टीफन अब मैकलेरी को लेके गेट की तरफ जाने लगता है। अब वहां पे दो चीजें उसको दिखती हैं स्टीफन को, दो गलत चीजें, टू एबनॉर्मैलिटीज, ठीक है, वो नोटिस करता है। जो मैकलेरी का जो स्कॉटिश एसेंट था वो कहीं ना कहीं बदला हुआ लग रहा था, उसके कपड़े कहीं ना कहीं हल्के लग रहे थे और वो मैकलेरी पतला लग रहा था। अब आपको मैं बताता हूं कि प्लान ये हुआ था, जब इन्होंने इवांस के फ्रेंड ने असली मैकलेरी को जब उसके घर पे बंद किया था तो उसके सभी कपड़े इन्होंने पहन लिए थे और डबल डबल पहन लिए थे, दो दो शर्ट पहन ली थी, क्योंकि इन्होंने अपनी ये जो कपड़े पहने हुए थे ये जेल के अंदर जब गए थे, तो जब ये पूरा प्लान इसीलिए बनाया गया था कि नकली गवर्नर बन के इनको गेट तक छोड़े और ये जो अपने साथ डबल कपड़े लाए थे उसमें से एक जोड़ी इवांस को दे दे अंदर, ठीक है, जितने टाइम में प्रिजन ऑफिसर उसको छोड़ने जा रहे होंगे इतने में इवांस चेंज कर ले उन कपड़ों को जो मैकलेरी दे के गया है, और अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है। तो वो इसीलिए बदला हुआ लग रहा था, पतला सा लग रहा था, क्योंकि मैकलेरी ने जो है वो डबल डबल कपड़े पहने थे जब वो आया था सुबह, लेकिन अब जब वो जा रहा था तो वो सिंगल कपड़ों में था, इसलिए वो पतला लग रहा था, ठीक है। और उसका एक जोड़ी कपड़ा किसने पहना हुआ था? इवांस ने अंदर पहन लिया था। अब देखते हैं क्या होता है। स्टीफन वांट्स टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस। जब वो उसको गेट पे छोड़ देता है मैकलेरी को, अब वो कहता है एक बार इवांस को मैं देखाता हूं कि वो कैसा है। तो ही मेक्स हिज वे टू इवांस सेल, वो जाता है, ठीक है, इवांस के सेल की तरफ प्रिजन ऑफिसर, और वो जब देखता है छेद में से, ही ओपन्स द पीप होल वंस मोर, और जब वो देखता है जेल के अंदर तो वो चिल्लाता है, ओह नो क्राइस्ट नो, ये क्या हो गया, इन इवांस चेयर इज लाइंग अ मैन, ठीक है, इवांस की कुर्सी पे एक इंसान लेटा हुआ है, और ये लेटा हुआ इंसान कौन है? वो एकदम से फिर वो जेल वेल खोल के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि हिज ब्लैंकेट इज स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर। जो ब्लैंकेट उसने इवांस ने ओढ़ रखा था वो कहीं ना कहीं उसके शोल्डर से गिर रहा था। हिज टफ्टेड हेयर आर वॉश्ड विद रेड ब्लड, उसके जो बाल थे घुंघराले से, ठीक है, भद्दे से जो बाल थे वो कहीं ना कहीं खूनम खून हुए पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि एकदम खून हो गया हो, मतलब उसका एकदम सर उसका पूरा खून से भरा हुआ था। अब मैं आपको बता दूं जो पुलिस वालों को जो चीज खून लग रही थी वो असल में क्या था, जो मैकलेरी यानी कि जो दोस्त था इवांस का जो अपने साथ में सूटकेस लाया था उसके अंदर वो एक ट्यूब लाया था,
यानी कि उस ट्यूब में वो क्या होता है, खून भर के लाया था। और उसने पुलिस वालों को कहा था कि मेरे को पाइल्स की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, मैं इस ट्यूब के ऊपर ही बैठता हूँ, ठीक है। तो वो उसको ले जाने दी थी अंदर, ट्यूब के अंदर खून भरा हुआ था, और उसी ट्यूब को वहां पे मैकलीरी यानी कि जो इवांस का जो दोस्त था वो उस ट्यूब को इवांस को दे के फिर बाहर जाता है, उस ट्यूब में से खून निकाल के इवांस अपने सर पे लगा देता है। और यही चीज जो प्रिजन ऑफिसर्स को लगता है कि भाई मैकलीरी तो अंदर है, इवांस तो नहीं भग गया बाहर, और ये इवांस उसका खून करके तो नहीं चला गया मैकलीरी का, तो वो डर जाते हैं, ठीक है। द मैन इज मैकलीरी, ठीक है। वो पुलिस वाले कहते हैं ये तो मैकलीरी है अंदर, ठीक है, जो इवांस है वो तो भाग गया। स्टीफेंस शाउट लाउडली फॉर जैक्सन, वो तेजी से चिल्लाते हैं, स्टीफेंस और जैक्सन को बुलाते हैं, और मैकलीरी गिव्स अ लॉन्ग मोन। जो अंदर जो मैकलीरी होता है, यानी कि असल में तो वो इवांस ही होता है जो कपड़े बदल लिए होते हैं उसने, उसका असली दोस्त जो था, जो मैकलीरी बन के आया था, वो उसको डबल डबल जोड़ी पहन के आया था, वो कपड़ों की एक जोड़ी उसको दे गया था, तो अब इवांस भी मैकलीरी के भेष में आ गया था, और जो उसका दोस्त था वो तो अब निकल चुका कहानी से, उसको भूल जाओ। अब अंदर जिसको लोग ये मैकलीरी समझ रहे हैं वो इवांस है, ठीक है। और वो तेजी से चिल्ला रहा होता है कि मेरा, मैं तो मर गया, और जल्दी से आओ, पुलिस को बुलाओ, ठीक है। उसने पूरा मुंह ढका हुआ था, नकली चश्मा भी उसने लगा रखा था, नकली दाढ़ी भी लगा ली थी इवांस ने, और वो कहता है कि जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, पुलिस को बुलाओ, मुझे पता है इवांस कहाँ भागा है, ठीक है। बहुत बड़ा इसमें मतलब प्लान चल रहा होता है। अब यहाँ पे चारों तरफ सायरन बजने लगते हैं जेल के अंदर, और एंड विद इन अ मिनट मैकलीरी विद जैक्सन एंड स्टीफन इज ग्रीटेड बाय द गवर्नर। अब कुछ ही देर बाद क्या होता है, गवर्नर वहां पे आ जाता है और वो मिलता है मैकलीरी से, जो कि असली में इवांस ही था, ठीक है। और ये सच्चाई अभी तक इन्हें नहीं पता, मैं आपको बताता चल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैकलीरी से वो जाके मिलता है और जैक्सन और स्टीफन से भी मिलता है। अब यहाँ पे डिटेक्टिव को बुलाया जाता है, जासूस को, कि ये आखिर हुआ क्या ये सब, ठीक है। तो वो जो कार्टर आता है, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, वो गवर्नर से गाइड लेता है, और आगे फिर कार्टर कहता है कि सबसे पहले तो जो मैकलेरी है उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत खून बह रहा है। इस बेचारे को ये नहीं पता कि वो इवांस जो है वो मैकलेरी का रूप लेके बैठा हुआ है अंदर, और वो खून नहीं, वो ट्यूब के अंदर जो नकली खून भरा हुआ था और कुछ सुअर का खून भरा हुआ था, ये वो खून था जो टपक रहा था उसके सर से। लेकिन बेचारे को, इनको ये लगता है कि ये तो खूनम खून हो रखा है मैकलेरी हमारा, और इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब ये मौका मिल गया इवांस को, क्योंकि इवांस ने रूप बदल लिया था, अब इसको हॉस्पिटल ले जाते, और मतलब बीच में आपको पता है इवांस को बस एक बारी बाहर निकालना था जेल से, आगे तो भगना उसका काम है, ठीक है। तो अब उसको मौका मिल गया, हॉस्पिटल ले जाना था, और वहीं से इवांस भाग गया। कैसे भागा? द गवर्नर चाइडेड बोथ स्टीफन्स एंड जैक्सन फॉर देयर नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे गवर्नर चिल्लाता है दोनों ऑफिसर्स के ऊपर कि तुम क्या कर रहे थे, वो कैसे भागा, ठीक है, इवांस कैसे भागा, मैकलेरी जी को इतना खून कैसे निकला, तुम कहाँ पे थे, वो चिल्लाने लगता है उनके ऊपर। तो वहां पे फिर वो प्रिजन ऑफिसर बताते हैं, स्टीफन्स कहता है कि मेरे पास एक कॉल आई थी आपकी, यानी कि गवर्नर की, 11:20 पे। आपको मैंने शुरू में बता दिया था ना, वो कॉल गवर्नर ने नहीं की थी, वो की थी इवांस के दोस्त ने, नकली कॉल की थी। अब यहाँ पे गवर्नर कहता है भाई तू पागल है, तू इडियट है, मैंने तो कोई कॉल ही नहीं करी, और ये सच्चाई है भाई, उसने तो कोई कॉल करी नहीं थी, कॉल तो इवांस के दोस्त ने करी थी, नकली कॉल, नकली गवर्नर बन के। द गवर्नर आस्क्स कार्टर इफ ही हैज मैनेज टू गेट मैकलीरी टू हॉस्पिटल ऑल राइट। अब यहाँ पे गवर्नर डिटेक्टिव से पूछते हैं कि क्या तुमने अच्छे से मैकलीरी जी को पहुंचा दिया है हॉस्पिटल के अंदर। तो अब यहाँ पे कार्टर कहता है कि ही इज टोल्ड दैट मैकलीरी इज इन द रेडक्लिफ हॉस्पिटल। तो कार्टर अब खुद तो जाएगा नहीं साथ में, उसने कहा मुझे ऐसा बताया गया है कि जो मैकलीरी जी हैं उनको रेडक्लिफ हॉस्पिटल ले जाया गया है अच्छे से, ठीक है। अब क्या होता है, ए फ्यू मिनट्स लेटर गवर्नर रिंग्स द हॉस्पिटल। कुछ टाइम बाद यहाँ पे गवर्नर कॉल करता है रेडक्लिफ हॉस्पिटल में और कहता है कि क्या मैकलीरी नाम से कोई है वहां पे, मैकलीरी नाम से पेशेंट आ गए हैं। तो हॉस्पिटल उनको इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे मैकलेरी नाम से कोई इंसान नहीं आया है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, इवांस भग चुका है, ठीक है, और उसने एक बार दोबारा चकमा दे दिया है, क्योंकि वो मैकलेरी बन गया था जेल के अंदर ही, ठीक है। जब वो असली वाला मैकलेरी यानी कि उसका दोस्त जो जेल में आया था, वो उसको गेट पे छोड़ने चले गए थे प्रिजन ऑफिसर, और अंदर इतने में उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और ट्यूब में से खून निकाल के सर पे मसल लिया था, और अब वो यहाँ पे जो है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भेजा था, तो वो बीच रास्ते में भाग गया। और वो भाग के कहाँ पहुंचा था अब वो, देखो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि एक एम्बुलेंस भेज गई थी उनको उठाने के लिए एसफील्ड से, लेकिन वो तो वहां से गायब हो गए, वहां पे तो कोई मैकलेरी नाम से था ही नहीं, तो हमारे यहाँ कोई पेशेंट है ही नहीं, ठीक है। अब जो इवांस है
देखो, लेटर दे फाउंड द मैक्लेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी। अब वो डिटेक्टिव और गवर्नर सारे ऑफिसर ढूंढते ढूंढते मैक्लेरी को जाते हैं कि भाई मैक्लेरी कहाँ गए, मैक्लेरी कहाँ गए। तो वो उनके घर पे जाते हैं, जब फ्लैट में, तो वो देखते हैं असली मैक्लेरी तो बंधा हुआ है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह भी बंधा हुआ है। तब वो कहते हैं कि जो उनको खोलते हैं जब, तो वो असली मैक्लेरी कहता है, भाई मैं 8:15 से यही हूँ, मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बता दी थी ना कि इवांस के दोस्तों ने ही उनको बांधा था। वो कहते हैं असली मैक्लेरी मैं 8:15 से यही हूँ, मैं तो आया ही नहीं हूँ जेल के अंदर। तो अब क्लियर हो जाता है गवर्नर को कि भाई ऐसा प्लान रचा था इसने इवांस ने, कि मतलब ये जो इट हैड नॉट बीन इवांस इम्परसनेटिंग मैक्लेरी हु हैड वॉक्ड आउट, ये जो बाहर भागा था ना, जो मतलब जिसको छोड़ने गए थे प्रिजन ऑफिसर, वो इवांस बन के नहीं भागा था। असली इवांस तो वो है जो कि मैक्लेरी का ड्रामा करके जेल के अंदर में था और जो खूनम खून हुआ पड़ा था, जिसको हॉस्पिटल ले जाना था, वही असली मैक्लेरी था। तो मैंने आपको बता दिया था शुरू से ही, और यहाँ पे गवर्नर को भी अब पता चल जाता है कि यार ये तो बहुत बड़ा खेल खेल गया हमारे साथ। अब क्या होता है, लेकिन गवर्नर भी उनसे शातिर होते हैं, ठीक है। गवर्नर को कैसे पता चलता है अब इवांस कहाँ गया? देखो, इवांस अब पहुंचता है अपने होटल में, गोल्डन लॉयन होटल की तरफ वो पहुंच जाता है इवांस, और अपनी चाबी लेता है कमरे की रिसेप्शन से, और वो जाता है मजे से अब अपने बेडरूम में। अब इवांस को झटका लगता है व्हेन ही ओपन्ड हिज बेडरूम, जब वो गेट खोलता है तो सामने बैठा हुआ था गवर्नर। अब ये गवर्नर कैसे आ गया उस ये इसके होटल के अंदर? जो इवांस तो भग गया था, वो तो खुश था कि भाई मैंने चकमा दे दिया, अब मैं आराम से होटल में जाता हूँ अपने। अब यहाँ पे गवर्नर को कैसे पता चला कि इवांस भाई होटल में है और इसी वाले होटल में है, और गवर्नर कैसे उसी सेम रूम नंबर में बैठ गया जाके? अब इसके पीछे क्या राज था आपको बताता हूँ। देखो, जो करेक्शन स्लिप आई थी ना, जो नकली कॉल करके करेक्शन स्लिप भिजवाई गई थी, उसके अंदर कोडिंग करके आप कह सकते हो कुछ ऐसी भाषा में लिखा गया था कि जिससे इवांस को पता चल जाए कि उसको मैक्लेरी बन के कहां भागना है। तो उसके इंडेक्स नंबर में 313 लिखा गया था, और करेक्शन वाली लाइन में लिखा गया था जम गोल्डन लोवेन, यानी कि गोल्डन लॉयन होटल, ठीक है, और सेंटर नंबर 271। जब उसने, गवर्नर ने इसको जोड़ के देखा काफी सोच बूझ के बाद, तो उसने जोड़ा 313/271, यानी कि इवांस का कमरा नंबर, होटल का नाम उसने यहां से निकाला गोल्डन एंड लॉयन होटल, ठीक है। तो इसको पता चल गया करेक्शन स्लिप को देख के कि भाई ये करेक्शन स्लिप से पता चल गया कि इवांस का बंदा आया था अंदर उसका पेपर दिलवाने, ये तो पता चल ही चुका था सबको, और वो अपनी करेक्शन स्लिप वहीं छोड़ गया था इवांस। तो उस करेक्शन स्लिप से ही गवर्नर यहाँ पे आ पहुंचा होटल के अंदर। पर इवांस को अभी भी आप कमजोर मत समझो, उसके पास प्लान भी था। उसका प्लान ये था कि वो होटल में आ जाएगा, अगर होटल में गवर्नर ने पकड़ लिया तो वो, उसके पास दूसरा प्लान भी रेडी था भगने का। अब वो क्या था आपको बताता हूँ। इवांस आस्क्ड द गवर्नर अबाउट हाउ ही फाइंड्स अबाउट द होटल। वो गवर्नर से कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं होटल में आया हूँ? तो गवर्नर बताते हैं, ये क्लू हमें वहां से मिला है, जो आपका करेक्शन स्लिप वाला पेपर था उसमें आपने इंडेक्स नंबर 313 लिखा था, सेंटर नंबर 271 लिखा था। इसका मतलब है द सिक्स फिगर डिफरेंस, यानी कि 313/271 आपका रूम नंबर है और मैं इसी तरीके से यहाँ पे आया हूँ। अब गवर्नर खड़े होके इवान से पूछते हैं कि ये खून कहाँ से आया आपके ऊपर, ये जो पूरा खून है ये कहाँ से आया? इवान्स कहता है कि ये तो पिग का ब्लड है, ठीक है, जो वो ट्यूब थी, ठीक है, वो सारी बातें बताने लगता है, ये तो पिग का ब्लड है, प्लस इसमें हमने कुछ और भी खून मिक्स किया था ताकि इसके जो है ऊपर धब्बे ना बन जाए, वो मतलब थक्के ना बन जाए, क्लोट्स ना बन जाए, इसलिए हमने कुछ और खून मिक्स करके इस तरीके से हमने लगाया था। तो आगे क्या होता है, अब यहाँ पे इन द एंड द गवर्नर आस्क हाउ ही कुड मैनेज टू प्लान दिस, ठीक है। तो इवांस रिप्लाई करता है कि ही हैज मैनी फ्रेंड्स, और जर्मन टीचर जो आता था उसको सिखाने, वो गवर्नर पूछता है यार इतना दिमाग तूने कैसे लगाया? तो वो बताता है कि ये काफी पहले से प्लानिंग चल रही थी, और जब मैं क्लासेस लेता था ना ओ लेवल की, तो वो मेरा दोस्त ही आता था जो मुझे सिखाने आता था, और हम अंदर प्लानिंग करते थे। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, वहीं इसी बीच एक शांति से एक प्रिजन ऑफिसर आता है और वो हथकड़ी लगा देता है, हैंडकफ कर देता है इवांस को, हथकड़ी लगा, लास्ट में अब इवांस पकड़ा गया, ठीक है। और टू मैन क्लैम्बर्ड इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन। अब वो होटल से बाहर निकलते हैं और उनको जो प्रिजन वैन होती है, जो पुलिस की गाड़ी होती है, उस पे वो चढ़ते हैं पीछे, और उसको इवांस को हथकड़ी लगा के उसमें बिठाया जाता है, यानी कि भगोड़ा इवांस जो था वो पकड़ा गया। अब इस तरीके की वैन होती है, उसमें वो अंदर उसको बिठा दिया जाता है, गवर्नर बाहर खड़ा होता है, उसको टाटा करता है, टाटा बाय बाय, और अब तुम सीधा जेल पहुंचोगे, ठीक है। और वो स्माइल करता है, हंसने लगता है गवर्नर की, पकड़ा गया इवांस। अब इसमें ट्विस्ट ये होता है कि द प्रिजन वैन टर्न राइट
रास्ते पे चलते 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 वो राइट साइड पे मुड़ते हैं ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ, पुलिस वाले द साइलेंट ऑफिसर, जो साइलेंट ऑफिसर जिसने हथकड़ी लगाई थी इवांस को, वो उसको खोल देता है उसकी हथकड़ियों को इवांस की, एंड ही आस्क द ड्राइवर टू मूव ऑन न्यूबरी। वो ड्राइवर जो होता है उसको कहता है कि आप न्यूबरी की तरफ चलिए, रोड बदलो। द साइलेंट ऑफिसर वाज ओनली इवांस ऑन मैन। अब देखो इसका प्लान भी ये था कि अगर मेरे को गवर्नर होटल में पकड़ेगा तो मेरा प्लान भी ये है कि मेरे बंदे बाहर आ जाएंगे पुलिस ऑफिसर बन के और मुझे गाड़ी में बिठा के हथकड़ी लगा लेंगे, और जब मेरे को ले जाएंगे तो हथकड़ी खोल के हम वहां से फरार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इवांस के ही बंदे थे जो उसको लेके गए थे, और इस तरीके से आपको पता चल गया कि कितना तीस मार खान था ये, कि जो उसको हथकड़ी लगा के ले जा रहे थे वो उसी के बंदे थे, ड्राइवर भी उसी का था, पुलिस वाले भी उसी के थे, और उसने हथकड़ी खोल दी और मजे से अब वो फरार हो गया। तो इवांस यहाँ पे भाग चुका है और गवर्नर अब रोएगा बैठ के। थस इवांस मूव टू द फ्रीडम। अब इवांस आजाद हो चुका और उसने प्रूव कर दिया कि गवर्नर एक मूर्ख था, वो केवल पागल आदमी है गवर्नर, उसको नहीं पकड़ पाया, और गुड फॉर अ गीगल। ठीक है, सिर्फ बच्चों की हंसी जैसा है वो, और कुछ नहीं है। गवर्नर को उसने आंखों में धूल झोंक दी, और इस तरीके से हमारा इवांस, जो कि तीस मार खान का ही दूसरा रूप समझो, ये अब फरार हो चुका है। और इसके ये प्लान्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ टास्क के लिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्क्राइब द प्रिकॉशंस टेकन बाय द प्रिजन ऑफिसर्स टू प्रिवेंट इवांस फ्रॉम एस्केपिंग। क्या प्रिकॉशंस लिए गए थे आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द गवर्नर फाइंड आउट वेयर इवांस वाज। तो वो जो आपको पता है वो करेक्शन स्लिप में उन्होंने डिकोड किया था जो भी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, 313, 271, उसको डिकोड करके वो उस होटल में पहुंच गए थे, तो यही आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वर द प्रिकॉशंस वर टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इवांस ओ लेवल एग्जाम। क्या प्रिकॉशंस लिए गए थे, तो ये सब आप मुझे लिख के इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही था। आप मेरे को ये जरूर बताना कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि अब समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं बहुत इंतजार करूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कमेंट बॉक्स में आप बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।